तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप अगर HDFC बैंक अकाउंट यूज करते हो, HDFC बैंक की रजिस्टर मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हो तो किस तरह से रजिस्टर मोबाइल नंबर को चेंज या फिर अपडेट कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर खो चुका है, इसलिए आप रजिस्टर मोबाइल नंबर को चेंज या फिर अपडेट करना चाहते हो तो क्या है प्रोसेस, ऑनलाइन सारा प्रोसेस देखेंगे किस तरह से ऑनलाइन अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपडेट या फिर चेंज कर सकते हो। इसके लिए चलते हैं स्क्रीन पे सारा प्रोसेस देखते हैं। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज या फिर अपडेट करने के लिए आपका अगर वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर खो चुका है, इसलिए आप ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हो तो ऑनलाइन अपडेट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस पेज पर आ जाना है। आप ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आपका अगर वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर खो चुका है इसलिए आप अपडेट करना चाहते हो इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पेज पर आने के बाद सबसे नीचे पे जाएंगे स्क्रॉल करके। जैसे सबसे नीचे जाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अपडेट मोबाइल नंबर। यहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एक नया पेज यहाँ पे ओपन होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर पेज ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। जो न्यू मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना चाहते हो वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे कि ओल्ड मोबाइल नंबर आपका क्या है या फिर नहीं है, उस मोबाइल नंबर को एक्सेस कर सकते हो या फिर नहीं है। अगर आप ओल्ड मोबाइल नंबर को एक्सेस कर सकते हो तो यहाँ पे यस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके टिक कर देंगे। अगर आप ओल्ड मोबाइल नंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हो, अपना ओल्ड मोबाइल नंबर खो चुका है, तो यहाँ पे नो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आपका अगर ओल्ड मोबाइल नंबर खो चुका है, मोबाइल नंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे नो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। यानी कि आप जो मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हो, रजिस्टर करना चाहते हो, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। वो मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालना है। एंड इस तरीके से यहाँ पे अपना न्यू मोबाइल नंबर डालने के बाद बैंक की यूजर आईडी डालने के बाद गेट ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप गेट ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे एंटरप्राइज आ जाएगा। अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे वो ओटीपी आ जाएगा, क्योंकि अपना मोबाइल नंबर तो खो चुका है तो अपना ईमेल पे ओटीपी आएगा। जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस ओटीपी को यहाँ पे आप डाल लेंगे एंड उस ओटीपी को डाल के सबमिट ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इस ओटीपी को सबमिट कर लेंगे। तो जैसे सबमिट ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो अपना मोबाइल नंबर चेंज रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज या फिर अपडेट नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं अपना ओटीपी डाल के सबमिट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाने के लिए ये प्रोसेस किया है। तो आपका अगर मोबाइल नंबर खो चुका है इसलिए आप मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से आसानी से मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप समझ गया होंगे कि आप अगर रजिस्टर मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हो HDFC बैंक पे, वो भी ऑनलाइन, तो क्या है प्रोसेस ऑनलाइन चेंज या फिर अपडेट करने की, आप सारा प्रोसेस समझ चुके होंगे। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो से फिर भी अगर कुछ भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय।